आप वो स्ट्रक्चर को देख के आप बता सकते हो कि वो वाला स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है कि वो वाला स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट है ठीक है तो इस मॉड्यूल का जो पहला जो मॉड्यूल का जो नाम है वो क्या है इनडिटर्मिनेसी ठीक है तो इसमें दोनों चीज़ के बारे में हम डील करेंगे डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है अगर वो इनडिटर्मिनेट हुआ तो कितने डिग्री से वो क्या हो रहा है इनडिटर्मिनेट हो रहा है इनडिटर्मनेसी दो पार्ट में डील कर किया जाता है एक होता है स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी और दूसरा होता है आपका किनेमैटिक इंडिटर्मनेसी मैं पढ़ाऊंगा उसको भी स्टैटिक भी पढ़ाऊंगा आपको और किनेमैटिक भी पढ़ाऊंगा लेकिन मैं सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्ट्रक्चर होता क्या है ठीक है स्ट्रक्चर क्या होता है उसमें जो सपोर्ट्स जो होते हैं उसमें कितने रिएक्शन बिल्डअप होते हैं अगर इंटरनल मेंबर पे मैं कोई एक जॉइंट लगा रहा हूँ तो इंटरनल जॉइंट क्या होता है वो इंटरनल फोर्सेस के बारे में बात करूं तो इंटरनल फोर्सेस कौन कौन सी होती है तो ये सारी चीजें हम इसमें डील करेंगे जिसमें सबसे पहली जो मैं आपको बताया था सबसे पहले क्या डील करूंगा मैं बेसिक ऑफ द स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताऊंगा बेसिक ऑफ द स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे जिसमें सबसे पहली वाली जो टॉपिक रहेगी मेरी वो क्या रहेगी एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन यहां पे आप जानोगे कि कितने टाइप के सपोर्ट्स होते हैं कितने टाइप के सपोर्ट्स होते हैं और वो सपोर्ट्स करते क्या है बेसिकली ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी टाइप का एक स्ट्रक्चर है वो वो जो बॉडी होगी वो किसी ना किसी का सपोर्ट सिस्टम कुछ ना कुछ होगा उसके हर एक एंड में या फिर हो सकता है नहीं भी हो ज़रूरी नहीं ऐसा हो लेकिन जो भी सपोर्ट्स के ऊपर वो जो बॉडी जो रेस्ट कर रही है वहाँ पर हम देखेंगे कि वो सपोर्ट का जो नेचर है वो कैसा है वो जो सपोर्ट जो है वो रोलर सपोर्ट्स है कि वो हिंज सपोर्ट है कि वो फिक्स सपोर्ट है वो कैसे टाइप का सपोर्ट्स है और वो जो सपोर्ट की प्रॉपर्टी क्या है उसमें कितने टाइप के रिएक्शन बिल्डअप होते हैं उसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को पड़ेगी तो हम सबसे पहले उसको हम जानेंगे जिसमें सबसे पहले मैं एक्सटर्नल सपोर्ट्स के बारे में बताऊं तो सबसे पहले मैं किसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको बताऊंगा यहां पर इसमें मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं फिक्स सपोर्ट के बारे में कौन सा सपोर्ट है ये फिक्स्ड सपोर्ट अब अगर आप बोलोगे कि सर फिक्स सपोर्ट दिखता है कैसे तो चलिए अपन देख लेते हैं फिक्स सपोर्ट कैसा दिखता है आप फिक्स सपोर्ट कुछ इस टाइप का दिखेगा ठीक है ये मैंने सेक्शन को मैंने काट दिया कोई भी एक बीम का सिर्फ एक ही पार्ट के एक ही सेक्शन को मैं एनालाइज कर रहा हूँ कौन सा वाला है वो उसके लेफ्ट वाले को यहाँ सेक्शन को मैंने हटा दिया इसके राइट में कुछ भी हो सकता है तो ये जो सपोर्ट आप देख रहे हो ये वाला सपोर्ट क्या होता है ये सपोर्ट होता है आपका फिक्स सपोर्ट ये फिक्स सपोर्ट का सिंबल है फिक्स सपोर्ट आप ऐसे शो करोगे ठीक है इस फॉर्म में आप शो करोगे अब यहां पर मान के चलिए आपके पास कोई भी एक लोड आ रहा है ठीक है कोई भी एक लोडिंग आ रही है किसी भी एंगल पे थीटा पे और जो एक्सटर्नल लोड है वो कि, कि, किससे मैं डिनोट करूंगा उसको कैपिटल पी से इसकी जो लेंथ होगी कुछ भी लेंथ हो सकती है मान के चलिए आपके पास एल उसकी क्या है लेंथ अब अगर मैं बात करूं यहां पर किसमें इसमें रिएक्शंस कितने आ रहे हैं टॉपिक का नाम क्या है एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन तो बेसिकली रिएक्शंस होते क्या है रिएक्शंस वो होते हैं जो आपकी जो बॉडी जो है उसको डिस्प्लेस करने से क्या करें उसको रोके ठीक है अगर आपकी बॉडी को रिस्ट्रेन कर रहा है वो किसी भी डिस्प्लेसमेंट को तो उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे कि वहां पर रिएक्शन डेवलप हो रही है अगर वो हॉरिजोंटली रिस्ट्रेन कर रहा है बॉडी को मूव करने से तो वहां पर कौन से टाइप का रिएक्शन आएगा वहां पर रिएक्शन आएगा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन अगर वो वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट को ठीक है वर्टिकली वो उसको क्या कर रहा है वो उसको रिस्ट्रेन कर रहा है मतलब नहीं होने दे रहा है किसी भी फोर्स के कारण वो वर्टिकली वो पॉइंट जो है जहाँ पर सपोर्ट लगा है वाला पॉइंट मूव नहीं कर पा रहा है तो मतलब वहां पर रिस्ट्रेन हो रहा है वो और कौन से डायरेक्शन में तो वर्टिकली वो रिस्ट्रेन कर रहा है तो वहां पर एक रिएक्शन बिल्ड होगा कैसा रिएक्शन होगा वो वर्टिकल रिएक्शन सिमिलरली अगर मान लीजिए ये लोड जो लगा है इसके कारण कोई रोटेशन आ रहा है पॉइंट पे कोई भी पॉइंट पे रोटेशन आ रहा है और लेकिन जो सपोर्ट जहाँ पे लगा है वहां पर रोटेशन नहीं आ रहा है इनकेस यहां पर आपके पास इस पॉइंट पे पर्टिकुलर इस पॉइंट पे जैसे मान लीजिए रोटेशन आ रहा है लेकिन सपोर्ट कौन से पॉइंट पे लगा है ए पॉइंट पे और ए पॉइंट पे इन केस अगर सपोर्ट रोटेशन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि ये यह यहां पर जो एंगल जो स्लोप जो बनना था उसको रिस्ट्रेन कर दिया डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा जो स्लोप है उसको रिस्ट्रेन कर दिया तो वहां पर क्या हो होगा वहां पर भी एक रिएक्शन बिल्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ मोमेंट ठीक है जो जो मोमेंट जो बिल्ड होता है वो क्या होता है कि जो आपके पास जो स्लोप आना था उसको क्या कर देता है वो रिस्ट्रेन कर देता है तो यहां पर हम देखेंगे इस वाले में फिक्स सपोर्ट में तो कितने टाइप के यहां पर रिएक्शन बिल्ड होंगे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिएक्शन होता क्या है तो इसको मैं बोल सकता हूं रिस्ट्रेनिंग द डिस्प्लेसमेंट रिस्ट्रेनिंग द डिस्प्लेसमेंट will lead to the formation of will lead to the formation of external support reactions ठीक है अगर आपका सपोर्ट क्या कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को अगर रिस्ट्रेन कर रहे हैं तो वहां पर क्या डेवलप होगा वहां पर डेवलप होगा उसके सपोर्ट के रिएक्शन तो हम यहां पे देख लेते हैं यहां पर देख लेते हैं ये था हमारे पास कौन सा फिक्स सपोर्ट ठीक है कोई भी एक क्रॉस सेक्शन है इस सेक्शन को मैंने काट लिया ये जो ए है वो क्या आपके पास फिक्स सपोर्ट है अब मेरे को एक बात बताइए कि यहां पर आपके पास इस तरीके से आपके पास क्या आ रहा है यहां पर आपके पास लोड लग रहा है तो इसका अगर मैं बोलूंगा डिफ्लेक्शन डायग्राम कैसा बन रहा है तो इसका डिफ्लेक्शन डायग्राम कुछ बनेगा इस टाइप से ठीक है डिफ्लेक्शन डायग्राम कैसा बनेगा कुछ इस टाइप से

जब लोड लगा तो बी पॉइंट कहां पर आ गया अब यहां पर आ गया तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट आया है सिंस ये वाले पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट आया है तो कोई रिस्ट्रेन हुआ नहीं डिस्प्लेसमेंट तो वहां पर बी पॉइंट पे कोई रिएक्शन डेवलप होगा क्या नहीं होगा लेकिन अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की बात करें तो मेरे को बताइए डेल्टा एक्स यहां पर कुछ आया है क्या डेल्टा एक्स कुछ आया है क्या एक्स डायरेक्शन में मूव कर पाया क्या नहीं कर पाया तो डेल्टा एक्स कितना हो गया

कर्व होने के बाद ए पॉइंट मूव हो पाएगा वर्टिकली ऊपर नीचे हो पाएगा नहीं तो डेल्टा वाई भी वहीं का वहीं है डेल्टा वाई में भी आपको देखने को नहीं मिला डेल्टा वाई भी देखने को नहीं मिला तो यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट जो लगेगा एक और रिएक्शन डेवलप होगी कौन सी आर वाई की सिमिलरली अगर मैं बी पॉइंट की बात करूँ तो बी पॉइंट पर अगर मैं चेक करूँ स्लोप को तो ये बी पॉइंट का नया वाला आ गया तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये क्या है दिस इज थीटा बी लेकिन अगर इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पे कोई स्लोप डेवलप हो रहे क्या हॉरिजॉन्टल से लेकर कोई स्लोप डेवलप हो रहा रहेगा तो वहां पर स्लोप भी डेवलप नहीं हो रहा है तो मतलब यहां पर एक और सपोर्ट रिएक्शन आया किसके फॉर्म में किसके फॉर्म में आया वो वो आया मोमेंट के फॉर्म में तो उसको मैं क्या बोलूंगा उसको मैं बोलूंगा एमजेड यहां पर एक और क्या इंपोज डेवलप हो रहा है यहां पर एक रिएक्शन डेवलप हो रहा है किसके फॉर्म में सपोर्ट रिएक्शन मोमेंट के फॉर्म में डेवलप हो रहा है अब आप बोलोगे सर ये एम जेड जेड क्यों लिखे क्योंकि देखिए ये वाला जो डेवलप हो रहा है ये कैसे हो रहा है इस इस पैटर्न में ये स्लोप नीचे होता उसको रोकने के लिए मोमेंट कैसा लगा एंटी क्लॉकवाइज स्लोप अगर आता तो क्लॉकवाइज आता लेकिन उसको रोकने के लिए कैसा लगा ये एंटी क्लॉकवाइज और ये वाली जो एक्सिस है ये वाली एक्सिस कैसे दिख रही है आपको जेड एक्सिस दिख रही है तो ये जेड एक्सिस के अबाउट पे क्या लगा है मोमेंट लगा है तो इसी कारण मैं इसको किससे डिनोट करूंगा मैं इसको डिनोट करूंगा एम जेड से क्लियर है समझ में आया तो फिक्स सपोर्ट में हमेशा याद रखिएगा फिक्स सपोर्ट में कितने रिएक्शन बिल्ड होते हैं हमेशा तीन रिएक्शन बिल्ड होते हैं कौन कौन से दिस इज आर एक्स दिस वन इज आर वाई एंड दिस इज एम जेड तो टोटल तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिएक्शन की बात करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर थीटा भी आपके पास कितना आ गया जीरो तो इसी कारण यहाँ पर तीन रिएक्शन डेवलप हुए अब अगर मैं बोलूंगा नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन कितने फिक्स सपोर्ट के लिए तो नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन को नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन को मैं डिनोट कर रहा हूं किससे आर ई से स्मॉल आर ई से ठीक e है तो इस बताइए मेरे को इस सपोर्ट में फिक्स सपोर्ट में टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितने आर एक्स आर वाई और एम सेट तो टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन आर ई की वैल्यू कितनी हो गई तीन कौन कौन सी फर्स्ट वन इज़ आर एक्स देन आर वाई एंड देन देर इज़ एम जेड तो तीन रिएक्शन फिक्स सपोर्ट में बिल्ड होते हैं डेवलप होते हैं कौन कौन से आर एक्स आर वाई एंड आर जेड तो यहाँ पर आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल भी कोई यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं आ सकता वर्टिकली भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आ सकता और यहाँ पर कोई इस पॉइंट पे कोई स्लोप भी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो so, यहाँ पर तीन क्या हो गया आपके पास रिएक्शन डेवलप हो गए नेक्स्ट सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट सपोर्ट में कौन सा ले रहा हूं एक्सटर्नल हिंज सपोर्ट तो अगर मैं एक्सटर्नल हिंज सपोर्ट की बात कर रहा हूं तो इसको शो कैसे करते हैं इसको हम शो करते हैं कुछ इस टाइप से ठीक है इसको हम इस टाइप से शो करते हैं तो अगर मैं मान लीजिए यहां पर अगेन क्या कर रहा हूं मैं कोई एक एक्सटर्नल लोड लग रहा है अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि नंबर ऑफ रिएक्शन अगर मैं पूछूंगा तो वन टू थ्री थ्री रिएक्शन तो आ ही रहे हैं। और ये पी को भी कंसिडर कर लेते हैं लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो है ये एक्सटर्नल लोडिंग है स्ट्रक्चर पे आप लोड कितना लगा रहे हो ठीक है पी क्या आपके पास पी है एक्सटर्नल लोड लेकिन ये जो रेड पेन से जो मैंने मार्क किया है वो क्या है आपके पास एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन ये लोड के कारण इस सपोर्ट पे कितने रिएक्शन डेवलप होंगे और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा तो सपोर्ट रिएक्शंस अलग चीज है और जो लोड आप जो लगाओगे वो एंटायरली डिफरेंट है ठीक है तो इसको ध्यान में रखेगा चलिए अब अपन नेक्स्ट में आते हैं हिंद सपोर्ट में हिंद सपोर्ट में आप देख रहे हो कि यहां पर क्या लगा है आपके पास एक लोड लगा हुआ है अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर अगर मैं डिफ्लेक्शन कर्व की बात करूं तो ये यहां से कुछ इस तरीके से क्या होगा ये मूव करेगा ठीक है इस तरीके से क्या होगा यहां पर बेंड होगा तो आप मेरे को एक बात बताइए अगर मैं यहां पर बात करूं कि ये वाला जो पॉइंट था ए ठीक है ये जो पॉइंट ए था अभी इसका जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन कर्व जो बनाया हु अभी भी ये वाला पॉइंट यहीं पर ही है ए जो पॉइंट पहले था अभी भी वहीं पर है तो ये ए पॉइंट डिस्प्लेस हुआ क्या हॉरिजॉन्टली पहले जहां था अभी भी वहीं है तो हॉरिजोनटली डिस्प्लेस नहीं हुआ रिस्ट्रेन कर गया डिस्प्लेसमेंट को तो मतलब वहां पर क्या होगा एक रिएक्शन डेवलप होगा जो क्या किया हॉरिजोंटली डिस्प्लेसमेंट को क्या कर दिया उसने रिस्ट्रेन कर दिया तो उस रिएक्शन को मैं क्या बोल दे रहा हूं मैं आर एक्स सिमिलरली ए पॉइंट पहले भी यहीं था फिर जो इलास्टिक कर्व जो बनाया उसमें भी आप देख रहे हो तब भी वहीं पर है तो वर्टिकली कोई डिस्प्लेसमेंट आ रही है क्या वहां पर तो आप देखोगे वहां पर वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट भी नहीं आ रही है पहले जहां पर था अभी भी वहीं पर है तो वहां पर क्या हो रहा है अगेन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को क्या कर दिया उस सपोर्ट ने रिस्ट्रेन कर दिया तो यहां पर क्या होगा एक रिएक्शन फिर से डेवलप होगी कौन सी वर्टिकल रिएक्शन उसको मैं बोल दे रहा हूं आर वाई तो आप देख सकते हो डेल्टा एक्स भी जीरो है और डेल्टा वाई भी क्या हो रहा है जीरो लेकिन अगर मैं बात करूं स्लोप की तो पहले अगर आप देखोगे तो पहले कोई स्लोप तो था नहीं लेकिन अब अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे यहां पर क्या बन रहा है यहां पर बन रहा है थीटा तो मेरे को बताइए ये एंगुलर डिफॉर्मेशन को ये जो एंगल बना एंगुलर डिफॉर्मेशन को ये सपोर्ट रोक पाया क्या रिस्ट्रेन कर पाया क्या नहीं यहाँ पर ए पॉइंट पे स्लोप आ रहा है ए पॉइंट पे स्लोप आ रहा है तो रिस्ट्रेन हुआ क्या स्लोप नहीं हुआ सिंस यहाँ पे रिस्ट्रेन नहीं हुआ तो मोमेंट आएगा क्या नहीं आएगा क्योंकि स्लोप को अलाउ कर दिया उसने रिस्ट्रेन नहीं कर पाया वो जो सपोर्ट है ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर मोमेंट नहीं आएगा लेकिन फिक्स सपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पर जो कर्व जो आ रहा है तो देखिए वो थोड़ा आगे से बेंड होता है तो इस पॉइंट पे तो कोई स्लोप आ रहा है क्या नहीं आ रहा नहीं आ रहा तो वहां पर क्या हो रहा है वहां पर स्लोप को क्या कर दिया उसने रिस्ट्रेन कर दिया सिंस रिस्ट्रेन हुआ है तो यहां पर एक रिएक्शन बिल्ड हो रहा है किसके फॉर्म में मोमेंट के फॉर्म में यहां पर क्या हो रहा है रिएक्शन बिल्ड हो रहा है लेकिन यहां पर स्लोप अलाउड है यहां पर स्लोप आ रहा है ये वाला जो सपोर्ट है वो रिस्ट्रेन नहीं कर पा रहा स्लोप को तो यहां पर क्या होगा मोमेंट नहीं आएगा तो टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस अगर मैं आर ई की बात करूं तो वो कितने हो जाएंगे टू कौन कौन से दैट इज आर एक्स एंड आर वाई तो यहां पर दो सपोर्ट रिएक्शन आए आपके पास नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं रोलर सपोर्ट की नेक्स्ट मैं बात करूं किसकी रोलर सपोर्ट की तो so, अगर मैं रोलर सपोर्ट की बात किया ठीक है रोलर सपोर्ट आप देखे होंगे जैसे आपके पास कोई ऐसे आ, कोई स्टैंड वगैरह होगा या कोई टेबल होगा जिसके नीचे पे क्या होंगे चक्के लगे होंगे या फिर आपका सूटकेस वगैरह ट्रॉलीज वगैरह के नीचे पे आप देखें रोलर लगे होते हैं तो वो कौन से टाइप का सपोर्ट हो गया वो सूटकेस के लिए वो सपोर्ट हो गया रोलर सपोर्ट अब मेको एक बात बताइए कोई भी एक बीम है उसके नीचे रोलर सपोर्ट लगा है तो यहाँ पर आप मेरे को बताइए लोड लग रहा है तो इसका भी डिफॉर्मेशन कैसा आएगा कुछ इस तरीके का क्या आएगा यहाँ पर डिफॉर्मेशन कर आएगा तो मेरे को बताइए सिंस यहाँ पर रोलर लगा हुआ है यहाँ पर सिंस रोलर लगा हुआ है तो ये वाला रोलर अगर लगा है तो ये आगे पीछे मूव कर पाएगा क्या बिल्कुल मूव कर पाएगा ठीक है यहां पर क्या हो रहा है हॉरिजोंटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बिल्कुल अलाउड है वो जीरो के बराबर नहीं है हॉरिजोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा तो यहां पर हॉरिजोंटल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है रिस्ट्रेन नहीं हो रहा है तो वहां पर रिएक्शन डेवलप होगा क्या नहीं होगा रिएक्शन कब डेवलप होगा जब क्या होगा वहां पर हम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कर देंगे रिस्ट्रेन कर पाएगा वो सपोर्ट तभी वहां पर एक रिएक्शन डेवलप होगा लेकिन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को वो क्या कर पा रहा है रिस्ट्रेन नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पर आरएक्स बनेगा क्या बिल्कुल नहीं यहाँ पर रिएक्शन नहीं आएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल क्या है वो अलाउड है डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल की अगर मैं बात करूँ तो अच्छा ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है क्या ये वाला जो सपोर्ट है ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है क्या इस वाले स्ट्रक्चर के लिए नहीं यहाँ पर आप देख पाएंगे ये ऊपर नीचे मूव नहीं कर पाएगा तो यहां पे डेल्टा वाई किसके बराबर हो जाएगा डेल्टा वाई जीरो के बराबर हो जाएगा वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट इसमें अलाउड नहीं रहेगा तो यहां पर अगेन क्या होगा एक रिएक्शन डेवलप होगा वर्टिकल डायरेक्शन में क्योंकि रिस्ट्रेन कर जा रहा है वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को सिमिलरली अगर मैं यहाँ भी बात करूँ एंगल एंगल की तो आप देखो इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे एक रोटेशन बन रहा है रोटेशन आ रहा है स्लोप आ रहा है तो रिस्ट्रेन कर पाया क्या एंगुलर डिफॉर्मेशन को रिस्ट्रेन नहीं कर पाया तो रिस्ट्रेन नहीं कर पाया तो यहां पर आपके पास मोमेंट भी जनरेट नहीं होगा ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो थीटा इज नॉट इक्वल्स टू तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास ओनली वन कौन सा वर्टिकल डायरेक्शन में लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपके पास इस डायरेक्शन में होता तो अगर आप मान लीजिए इस डायरेक्शन में होता तो ऐसा तो यहां पर क्या होता है यहां पर आपके पास सिर्फ एक ही रिएक्शन आता है लेकिन कौन सा आता है वो आर एक्स यहां पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अलाउड रहता है रिस्ट्रेन नहीं कर पाता तो अगेन आर ई की वैल्यू यहां पर भी कितनी होती वन होती कौन सी वर्टिकल सॉरी हॉरिजोंटल रिएक्शन नेक्स्ट अगर मैं नेक्स्ट सपोर्ट की बात करूं फोर्थ सपोर्ट कौन सा हमारे पास डबल रोलर फोर्थ सपोर्ट कौन सा है हमारे पास डबल रोलर सपोर्ट तो अगर मैं डबल रोलर सपोर्ट की बात करूं, तो इसको हम कैसे शो करते हैं इसको हम शो करते हैं कुछ इस टाइप से ठीक है या तो हॉरिजॉन्टल शो कर सकते हैं तो इसको हम वर्टिकली भी शो कर सकते हैं डबल रोलर को या तो आप ऐसे शो करेंगे या फिर आप ऐसे शो करेंगे इसमें प्रॉपर्टीज की जो होती है तो यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा साथ में डबल रोलर की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है उसको भी क्या करता है वो रिस्ट्रेन कर देता है तो इस केस में क्या हो जाएगा आपके पास वर्टिकल वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा साथ में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी नहीं आएगा लेकिन इस केस में क्या होगा यहाँ पर हॉरिजोंटल डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक क्या बनेगा आपके पास एक रिएक्शन बनेगा साथ ही साथ में क्या आएगा एक मोमेंट भी आ जाएगा तो इसको भी ये भी इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान रखेगा तो यहाँ पर आर ई की वैल्यू कौन सी होती है आपके पास टू लेकिन डिपेंड करता है कि डबल रोलर कैसा है वर्टिकल एक्सिस में है कि वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लगा हुआ है बट यहाँ पर एक तो जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन पर एक रिएक्शन फो रिएक्शन डेवलप होगी साथ ही साथ क्या होगा यहाँ पर एक एंगुलर रोटेशन को भी क्या करेगा वो रिस्ट्रेन कर देगा तो यहाँ पर आपके पास एक मोमेंट आएगा और साथ में एक रिएक्शन आएगी तो टोटल आर ई की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपके पास टू क्लियर है तो यहाँ पर कितना होगा दो यहाँ पर आएंगे सपोर्ट रिएक्शंस तो ये जो मैंने बात किया ये मैंने किस पे बात किया ये मैंने टू डी में बात किया ये मैंने टोटल आप देखोगे सारे डायग्राम्स जो मैंने बताया हूँ वो कौन से डायमेंशन में बनाएँ टू डी प्लेन में बनाएँ कि स्पेस में बनाऊँ तो सारे टू डी डायग्राम्स बनाएँ तो फिक्स सपोर्ट को अगर मैं बात करूँ थ्री डायमेंशन में तो एक बार हम थ्री डायमेंशन में भी चेक कर लेते हैं नेक्स्ट अपन देखते हैं थ्री में अगर थ्री लोडिंग रहा आपके पास या फिर स्पेस स्ट्रक्चर रहा इसके पहले मैंने किसमें बताया आपको 2D में बताया अगर मान लीजिए आपके पास क्या रहा 3D में रहा तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा आपके पास सेम अगेन फिक्स सपोर्ट की अगर मैं बात किया आपसे मैं बात कर रहा हूं यहां पर किसमें फिक्स सपोर्ट की बात किया एक लोड आपको दिया गया किसी एंगल थीटा पे तो ये आपके पास पॉइंट कौन सा आपके पास ए पॉइंट आपने यहाँ पर प्लेन में आपने देखा था इसके पहले मैंने आपको प्लेन प्लेन स्ट्रक्चर की जब बात कर रहा था तो यहाँ पर कितने रिएक्शन आए थे रिएक्शन यहाँ पे तीन आए थे कौन कौन से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और एक मोमेंट लेकिन यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास थ्री में ये जो लोडिंग है वो एक्चुअली में कैसे ये थ्री लोडिंग है तो इस वाले डायग्राम से आपको समझ नहीं आएगा इसको अगर मैं बनाऊंगा इसको अगर मैं थ्री में अगर बनाया इस फिक्स सपोर्ट को तो फिक्स सपोर्ट को ऐसा नहीं बनेगा वो कैसा बनेगा इसको आपको बनाना पड़ेगा थ्री में तो ये है आपके पास जैसे कि मान लीजिए दिस इज योर वॉट दिस इज योर फिक्स सपोर्ट कुछ ऐसे टाइप के आपके पास क्या बना दिया मैंने फिक्स सपोर्ट को मैंने थ्री में बना दिया अब यहां पर देखिए कितने टाइप के यहां पर एक्सेस दिख रही है आपको दिस इज योर वाई एक्सेस दिस इज योर एक्स एक्सेस और ये जो जा रहा है ये क्या है आपके पास दिस इज योर जेड एक्सेस क्लियर है अब यहां पर जो रिएक्शन आपके पास जो आएंगे ना उसको आप ध्यान में रखिएगा उसमें जो रिएक्शन आएंगे थ्री में तो सिंस ये लोडिंग जो लग रही है वो थ्री में लग रही है तो यहां पर हर एक एक्सेस में आपके पास रिएक्शन आएंगे जैसे कि ये एक्स एक्सिस है तो यहां पर जो रिएक्शन आएगा इसको मैं क्या बोलूंगा आर एक्स सिमिलरली वाई एक्सिस में जो रिएक्शन आ रहा है उसको मैं क्या बोलूंगा आर वाई और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक्सिस आ गई है कौन सी जेड एक्सिस क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है ये थ्री में है तो यहां पर ये जो रिएक्शन आएगा इसको मैं बोलूंगा आर जेड तो पहले दो रिएक्शन आ रहे थे मतलब जो फोर्सेस जो आ रही थी वो दो थी आर एक्स और आर वाई लेकिन सिंस ये थ्री में है तो यहां पर एक और रिएक्शन आएगी दैट इज आर जेड मोमेंट वहां पर एक ही आ रहा था कौन सा एमजेड लेकिन यहां पर तीनों मोमेंट में क्या होगा तीनों एक्सिस में मोमेंट यहां पे जनरेट होगा दिस इज एम एक्स सॉरी दिस इज एम एक्स दिस इज एम वाई एंड दिस इज एम जेड तो यहां पर अगर आप देखोगे तो टोटल आपके पास जो सपोर्ट रिएक्शन है टोटल सपोर्ट रिएक्शन कौन कौन से आपके पास सिक्स हैं कौन कौन से दैट इज आर एक्स आर वाई आर जेड सिमिलरली एम एक्स एम वाई एंड एम जेड सो देर आर टोटल हाउ मेनी रिएक्शन हाउ मेनी सपोर्ट रिएक्शन देर आर टोटल सिक्स सपोर्ट रिएक्शन ठीक है वो तीन पूरे सारे छह जो रिएक्शन थे उसको मैंने रेड रेड पेन से मैंने यहाँ पर मार्कआउट कर दिया अब अगर मैं बात करूं यहां पर कि एक्चुअल में बेंडिंग मोमेंट क्या होता है बैंडिंग मोमेंट क्या होता है और ट्विस्टिंग मोमेंट जो होता है वो क्या होता है कोई मेरे को बता पाएगा क्या बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट का डिफरेंस ठीक है तो बेंडिंग मोमेंट वो होता है जो कहां पर एक्ट करता है आपके बेंडिंग मोमेंट वो वाला मोमेंट होता है जो स्ट्रक्चर के लैटरल एक्सिस में लैटरल एक्सिस में क्या करता है एक्ट करता है तो अगर मैं लैटरल एक्सिस की बात करूं तो देखिए ये आपके पास क्या है ये आपके पास बीम है इसमें लैटरल एक्सिस कौन सी है जो मोमेंट आ रहे कौन -कौन से? और एम जेड ये दोनों मोमेंट क्या बना रहे ये दोनों मोमेंट बना रहे उसका बेंडिंग मोमेंट ठीक है लैटरल एक्सिस में जो मोमेंट जो होता है दैट इज एम वाई एंड एम जेड ये दोनों मोमेंट क्या है ये दोनों मोमेंट है बेंडिंग मोमेंट सिमिलरली ट्विस्टिंग मोमेंट की बात करूं तो ये वो वाला मोमेंट होता है जो कहां पर एक्ट करता है इसके अबाउट होता है ये वाला मोमेंट ये हमेशा होता है लॉन्गिट्यूडनलूडनल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट होगा वो कौन सा होगा वो होगा हमारा ट्विस्टिंग मोमेंट तो यहां पर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन सी है एक्स तो ये जो एम एक्स जो आ रहा है एम एक्स क्या है आपका वो है ट्विस्टिंग मोमेंट फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए ये क्या आपके पास ये आपके पास एक बॉटल है ठीक है थोड़ा जूम करना है इसमें मान के चलिए ये क्या है आपके पास ये एक बॉटल है तो ये बॉटल का आप देख सकते हो ये बॉटल का अगर मैं इस इस शेप में रखा तो ये वाला जो एक्सेस है ये वाला एक्सेस कौन सा है ये वाला जो एक्सेस जा रहा है ये वाला एक्सेस है इसका एक्स एक्सेस ठीक है ये एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट सर अबाउट मोमेंट जो आप लिखे हो मोमेंट अबाउट द लॉन्गिट्यूडल एक्सेस अबाउट का मतलब क्या होता है अभी आप ये वाला जो मोमेंट जो बनाया हो तो तीनों को आपने ऐसे दिखा दिया तो क्योंकि ये 2D हमारे पास क्या है बोर्ड है अब मैं इसको 3D में समझाऊं तो ये हमारे पास बॉटल कौन से इसका लॉन्गिट्यूटनल एक्सिस कौन सा है एक्स एक्सिस सपोज दिस इज एक्स एक्सिस वर्टिकल वाला वाई एक्सिस है और आपके क्यों मेरी तरफ जो जा रहा है वो क्या है जेड एक्सिस तो ये एक्स एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट कौन सा मतलब इसको मैंने ऐसे पकड़ा और इसको मैं क्या कर रहा हूँ ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ इसको मोमेंट दे रहा हूँ तो यहाँ पर ये x एक्सिस के अबाउट ये ऐसे मोमेंट आएगा तो इसको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इस बॉटल को ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं समझ में आया इस बॉटल क्या करने की कोशिश कर रहा हूं मैं ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं तो जो मोमेंट जो होगा वो कैसा होगा वो होगा ट्विस्टिंग मोमेंट समझ में आया तो इसके जो एक्सिस के अबाउट कैसे है? मैं ट्विस्ट करूंगा इसको मोमेंट दूंगा वो इस टाइप से मोमेंट लगाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा ट्विस्टिंग मोमेंट लेकिन अगर मैं सिमिलरली मान के चलिए ये स्केल है इसका भी अभी अभी लॉन्गिट्यूडल एक्सिस कौन सा है इसका एक्स एक्सिस है लेकिन मैं क्या कर रहा हूं इसके <laughs> ये जो जेड एक्सिस है जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट कैसा लगेगा आपके और मेरे जो जेड एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट कैसा लगेगा कुछ इस टाइप का लगेगा पहले कैसा लग रहा था एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसा लग रहा था लेकिन अब ये जो जेड एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऐसा लगेगा ये जो सर्कुलर जो बन रहा है ये ये जेड एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऐसा लगेगा तो मैं इसको अगर मैं ऐसा मोमेंट लगाया तो देखो ये स्केल बेंड हो रही है मैंने ये वाला मोमेंट लगाया एक्स एक्सिस के सॉरी जेड एक्सिस के अबाउट तो ये स्केल क्या हो रही है बेंड हो गई तो इसको हम मोमेंट को क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट तभी मैं इसके पहले जब भी मैं टू में जब भी आपको बता रहा था तो वहां पर मैं एम के थ्रू लिख रहा था क्योंकि मैं क्या कर रहा था आपके और मेरा जो एक्सिस है वो कैसा है Z एक्सिस है मतलब ये वाला एक्सिस है अब इसके अबाउट में मोमेंट ऐसे ही लगा सकता हूँ ना इस वाले एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऐसे लगा सकता हूँ तो ये वाला मोमेंट मैं इसके लिए लगाया तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बेंड हो रहा है तो सिमिलरली क्या हो रहा है एम जेड जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा अब मैं बात करेंगे अगर इसकी वाई एक्सिस के अबाउट जो मैं मोमेंट लगाऊंगा वो ऐसे टाइप का मोमेंट होगा जेड में ये वाला मोमेंट था वाई में कैसा होगा ये वाई एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऐसे वाला रहेगा तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे मोमेंट कर रहा हूँ तो ये मेरी तरफ क्या होगा मेरी तरफ या आपकी तरफ बेंड होगा तो एम वाई भी जो है एम वाई भी क्या है बेंडिंग मोमेंट है ट्विस्टिंग मोमेंट सिर्फ एक ही एक्सिस में होगा वो अगर मैं उसमें ऐसा मोमेंट लगाए लौंग मोमेंट जो लगाऊंगा तो वो क्या होगा ट्विस्टिंग मोमेंट तो यहां पर आप समझिएगा ट्विस्टिंग मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट होता क्या क्या ठीक है तो यहां पर एम एक्स जो आप देख सकते हो एम एक्स क्या है आपके पास ट्विस्टिंग मोमेंट है और एम वाई जो और एम जेड जो है वो क्या है आपके पास बेंडिंग मोमेंट क्लियर है यहां तक तो ये आपके पास फिक्स्ड फिक्स सपोर्ट था उसमें रिएक्शंस नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस कितने आ रहे थे आपके पास सिक्स सिमिलरली अगर मैं बात करूं नेक्स्ट किसकी हिंज सपोर्ट की थ्री डी में मैं आपको क्या बता रहा हूं हिंज सपोर्ट इसके पहले जो बताया था मैंने टू डी लोडिंग पे बताया था वो प्लेन स्ट्रक्चर था ये क्या है आपके पास स्पेस स्ट्रक्चर है तो यहां पे लोड लग रहा है कुछ थीटा पे तो यहां पर आपके पास जो रिएक्शन जो डेवलप होगा तो पहले कितने हो रहे थे यहाँ पे दो रिएक्शन डेवलप हो रहे थे एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लेकिन यहां पर अगर इसको मैं थ्री में बनाऊंगा तो यहां पर हमारे पास एक एक्सिस और आ गई है कौन सी आर जेड तो आर सॉरी एक जेड एक्सिस और आ गई तो रिएक्शन कि, कितना डेवलप होगा उसमें आर जेड तो टोटल यहां पर जो सपोर्ट रिएक्शन होंगे आर ई उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी तीन कौन कौन से आर एक्स आर वाई एंड आर जेड ंग सपोर्ट में कभी भी मोमेंट जनरेट नहीं होता तो एम एक्स एम वाई एम जेड जो कि वहां पर आ रहे थे वो यहां पर नहीं आएंगे क्योंकि यहां पर स्लोप अलाउड रहता है ये वाला जो स्लोप ये वाला जो सपोर्ट होता है वहां पर क्या होगा इसमें जब भी रोटेशन आएगा सॉरी जब भी डिफ्लेक्शन आएगा तो यहां पर रोटेशन पॉसिबल होगा तो इसके कारण मोमेंट यहां पर डेवलप नहीं होगा क्लियर तो यहां पर इस केस के लिए आर ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी थ्री रोलर सपोर्ट की बात करोगे तो इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर कि आप जो स्ट्रक्चर जो है वो आगे पीछे और लेफ्ट राइट मूव कर पा रहा है तो रिएक्शन कितनी हो जाएगी वहां पर एक ही रिएक्शन होगी लेकिन कोई एक स्ट्रक्चर है जो दोनों जगह मूव कर पा रहा है सिर्फ एक ही जगह मूव कर रहा है तो वहां पर रिएक्शन कितनी बिल्ड होगी दो रिएक्शन वहां पर बिल्ड हो जाएगी ठीक है तो रोलर पर डिपेंड करता है कि वहां पर वन आएगा कि टू आएगा वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर कौन सा है लेकिन फिक्स और हिंज पे हमेशा रहता है थ्री अगर रहा तो फिक्स पे कितने रहेंगे सिक्स और ंच पे कितना रहेगा आपके पास थ्री में टोटल तीन रिएक्शन रहेंगे तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं इंटरनल फोर्सेस के बारे में कौन कौन सी इंटरनल फोर्सेस होती हैं और उसका क्या क्या उसका वैल्यू साध है तो फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पर इंटरनल फोर्सेस ठीक है यहां पर हम देखेंगे इंटरनल फोर्सेस के बारे में इंटरनल फोर्सेस बेसिकली होती क्या है अगर मैं इंटरनल फोर्सेस फोर्सेज आई एफ से मैं डिनोट कर रहा हूं इंटरनल फोर्सेस मेनली क्या क्या होती है इंटरनल फोर्सेस होती है आपके पास एक्जुअल फोर्स एक्जुअल फोर्स क्या होता है जो लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में जो फोर्स आप लगा रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे एक्जुअल फोर्स नेक्स्ट आपके पास होती है शेयर फोर्स शेयर फोर्स क्या हो जाएगा जो लैटरल डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं आप फोर्स लगा रहे हैं उसको हम बोलते हैं शेयर फोर्स सिमिलरली आता है बेंडिंग मोमेंट जो कि मैंने आपको समझा दिया है ये वो वाला मोमेंट होता है जिसमें रोटेशन किसके रेस्पेक्ट में होता है जिसमें जो मोमेंट हम होते हैं किसके अबाउट लेते हैं हम ट्रांसवर्स एक्सिस या फिर लैटरल एक्सिस के अबाउट हम लेते हैं सिमिलरली अगर मैं ट्विस्टिंग मोमेंट की बात करूं तो यहाँ पर हम जो मोमेंट लेते हैं वो कौन से एक्सिस के अबाउट होती है वो लॉन्गीट्यूडनल एक्सिस के अबाउट होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इंटरनल फोर्सेस होती है वो कौन कौन सी होती है आपके पास एक्जुअल फोर्स शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट एक्जुअल फोर्स हमेशा लॉन्गीट्यूडनल डायरेक्शन में अगर मैं ये वाला पेन है ये पेन कैसा रखा है अभी एक्स एक्सिस में रखा है तो इसी एक्स एक्सिस में अगर मैं पुल करूंगा इसमें तो फोर्स कैसा रहेगा ये एक्चुअल फोर्स लेकिन ये एक्स एक्सिस में है ये लेकिन अगर मैं इसको वायर डायरेक्शन में अगर पुल करूंगा तो मैं कैसा फोर्स इसमें लगा रहा हूं मैं इसके ट्रांसफर सेक्शन से फोर्स लगा रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा शेयर फोर्स हो जाएगा ठीक है तो ये चार टाइप के यहाँ पर क्या होते हैं आपके पास इंटरनल फोर्सेस होते हैं आई एफ जो मैं डिनोट किया हूँ किससे इंटरनल फोर्सेस वो क्या क्या होते हैं एक्चुअल फोर्स शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं चलिए ठीक है तो एक्चुअल फोर्स जो मैं शो करूंगा लेकिन पहले स्ट्रक्चर्स के बारे में देख लेते हैं स्ट्रक्चर्स किस किस टाइप के होते हैं बहुत सारे टाइप के होते हैं बेसिकली इस वाले यूनिट में मैं जो डील करूंगा वो दो टाइप के स्ट्रक्चर को डील करूंगा एक होता है जो आपके पास रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर होगा एक स्ट्रक्चर क्या होगा जो आपके पास रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर होगा दूसरे स्ट्रक्चर को मैं बोल सकता हूं वो स्ट्रक्चर क्या होंगे पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर होंगे दूसरे स्ट्रक्चर कैसे होंगे आपके पास पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर जो रिजिड जॉइंटेड जॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं फ्रेम्स इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेम्स है, है? या फिर इसको हम बोलते हैं बीम्स ठीक है बीम्स भी क्या आपके पास रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर है बीम बेसिकली कंटिन्यूस बीम वगैरह की बात करूं मैं ये तो नॉर्मल बीम को भी आप बोल सकते हो रिजिड जॉइंटेड बट्स में जाकर जॉइंट्स होने चाहिए ठीक है नेक्स्ट क्या होने चाहिए पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं बेसिकली ट्रस अब ये दोनों डायमेंशन में हो सकते हैं ये टू भी हो सकते हैं और ये क्या हो सकते हैं ये थ्री भी हो सकते हैं तो अगर मैं बात करूं रिजिट जॉइंटेड तो ठीक है हम इस पर तो पूरा डील करेंगे फ्रेम्स को तो पूरा एक यूनिट है दो यूनिट है मॉड्यूल टू और मॉड्यूल थ्री जो है उसमें हम पूरा फ्रेम्स को डील करेंगे मॉड्यूल नंबर फोर जो रहेगा वो मैंने पूरा का पूरा किस पे बनाया मैंने ट्रस पे बनाया ठीक है मॉड्यूल नंबर फोर जो मैं डील करूंगा पूरा ट्रस्ट पे डील करूंगा मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि यहां पर हम डील करेंगे डिटर्मिनेट ट्रस्ट यहां पर हम डील करेंगे इनडिटर्मिनेट ट्रस्ट लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं अगर मैं फ्रेम्स के बारे में बात करूं फ्रेम्स के बारे में बात करूं तो फ्रेम्स होता है क्या बेसिकली फ्रेम्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स एंड बीम्स फ्रेम्स क्या होता है फ्रेम्स होता है आपके पास इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स एंड बीम्स तो ये आपके पास मान के चलिए ये क्या है आपके पास ये एक कॉलम है वर्टिकल मेंबर जितने दिख रहे हैं आपको टोटल चार वर्टिकल मेंबर दिख रहे हैं ये चारों वर्टिकल मेंबर क्या क्या है आपके पास? आपके पास पास कॉलम्स सिमिलरली दो क्या दिख रहे हैं आपको मेंबर्स ये दोनों मेंबर क्या है आपके पास बीम्स तो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स एंड बीम्स को हम क्या बोलते हैं फ्रेम्स अगर मैं ट्रस की बात करूं ट्रस की बात करूं अच्छा ये जो जितने ज्वाइंट्स हैं ये सारे ज्वाइंट जो दिख रहे हैं वो सारे ज्वाइंट कैसे हैं आपके पास रिजिड जॉइंट है ये मैं समझाऊंगा रिजिड ज्वाइंट का मतलब क्या होता है पेन ज्वाइंट का मतलब क्या होता है हम जॉइंट्स के बारे में इसके बाद हम पढ़ेंगे वहां पर आपको समझ में आ जाएगा रिजिड ज्वाइंट तो आप बोल रहे हो सर बट इसका मतलब क्या है नेक्स्ट होता है हमारे trust. Trust क्या हो जाएगा ट्रस को हम कुछ इस टाइप से बनाते हैं ट्रस को हम कुछ इस टाइप से बनाते हैं यहां पर उसका कुछ सपोर्ट रहेगा इसमें आप देख रहे हो जितने ज्वाइंट्स आपको दिख रहे हैं ना ये सारे ज्वाइंट क्या रहेंगे ये सारे ज्वाइंट रहेंगे पिन ज्वाइंटेड रहेंगे सारे ज्वाइंट कैसे रहेंगे आपके पास पिन ज्वाइंटेड रहेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं ट्रस रिजिड ज्वाइंट ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं फ्रेम्स यहां पर कोई भी पिन ज्वाइंटेड नहीं है लेकिन यहां पर सारे कैसे हैं पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर है तो इसको हम क्या बोलते हैं ट्रस इसको हम बोलते हैं फ्रेम्स चल ट्रस की बात तो कर ही लिए तो यहाँ पर मैं बेसिकली क्या बोला था आपको मॉड्यूल नंबर फोर पे मैं आपको ट्रस्ट पूरा डील करूंगा वहां पर तो हर एक चीज बताऊंगा लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत ट्रस्ट के बारे में भी जान लेते हैं तो ट्रस्ट होता क्या है क्या ट्रस्ट क्या होता है आपके पास ट्रस्ट वो होता है जहां पर सारे जॉइंट्स कैसे होते हैं आपके पास पेन जॉइंटेड होते हैं ये तो आप अब तो भी बताए सर तो ट्रस्ट होता है आपके पास एक पेन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर्स इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ट्रस्ट की वो होती है कि ऑल मेंबर्स ऑल मेंबर्स ऑफ द ट्रस्ट ऑफ द ट्रस्ट कैरी इज ओनली एक्सियल फोर्स कैरीज ओनली एक्सियल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है जो ट्रस्ट के जो सारे मेंबर जो होते हैं वो सिर्फ क्या कैरी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्जुअल फोर्स ही कैरी करते हैं इंटरनल फोर्सेस के बारे में बात कर रहा हूं इंटरनल फोर्स जैसे मैंने बताया ना एक्ल फोर्स शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट ट्विस्टिंग मोमेंट ट्रस में सिर्फ क्या क्या प्रीडोमिनेटिंग डोमिनेटिंग होता है जो मेनली जो होता है ट्रस में वो क्या होता है आपके पास एक्जुअल फोर्स शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट ट्विस्टिंग मोमेंट नेगलिजिबल हम बोल सकते हैं ऐसा नहीं बोलेंगे कि आएगा ही नहीं ट्रस में बट जो सबसे ज्यादा जो प्रीडोमिनेटिंग जो फोर्स होती है वो कौन सी होती है एक्जुअल फोर्स और हम सिर्फ और सिर्फ डिजाइन हम किसके लिए करते हैं उसको एक्जुअल फोर्स के लिए करते हैं है, ट्रस्ट को बाकी सारी चीजें क्या होती हैं उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं किसके केस में ट्रस्ट के केस में ऑल मेंबर्स ऑफ द ट्रस्ट कैरीज ओनली एक्ज फोर्स इसमें और भी इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इसमें हम बोलते हैं एजम्पन होता है नॉट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी तो यह वाली थी। अगर मैं एजम्पन की बात करूं तो ट्रस्ट का एक एजम्पन होता है कि जो भी आप एक्सटर्नल लोड लगाते हो ना एक्सटर्नल लोड जो भी आप लगाओगे वो हमेशा कहाँ पे लगाओगे वो उसके जो पिन जॉइंटेड जो मैं आपको बताया ना उसके पिन जॉइंट्स पे ही आप लोड का लगाओगे आप किसी मेंबर के बीच में आप लोड को नहीं लगाओगे जो भी आप एक्सटर्नल लोड लगाओगे वो कहाँ पे लगाओगे या तो आप उसको यहाँ पे लगा लेना इस जॉइंट पे या तो आप उसको इस जॉइंट पे लगा लेना या फिर इस जॉइंट पर लगा लेना कहीं पर भी लगा लेना लेकिन जो मेम्बर्स हैं मेम्बर्स के बीच में आप क्या करेंगे लोड को नहीं लगाओगे ठीक है तो यहाँ पर एक्जम्पन क्या है एक्सटर्नल लोड आर ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द जॉइंट्स एक्सटर्नल लोड्स आर ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द जॉइंट्स। ये इसकी बहुत बड़ी एजम्शन है और भी एजम्पन होते हैं जैसे कि इसके जो सारे मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं परफेक्टली स्ट्रेट मेंबर्स मानते हैं ट्रस्ट के ट्रस्ट के सारे मेंबर्स को हम कैसे डिजाइन करते हैं परफेक्टली स्ट्रेट थोड़ा भी अगर उसको हम कर्व्ड रखेंगे तो वहां पर फिर बेंडिंग मूवमेंट भी आएगा अच्छा खासा लेकिन सिंस हमने इसको परफेक्टली स्ट्रेट माना है तो हम यहाँ पर प्रीडोमिनेटिंग फोर्स किसके लिए हमें इसको डिजाइन करते हैं एक्जुअल फोर्स के लिए तो ये ट्रस्ट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी अब यहां पर हम बात करते हैं जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो कितनी कितनी आएंगी तो इंटरनल फोर्सेस के बारे में अगर मैं बात करूं इंटरनल फोर्सेस के बारे में बात करूं तो सबसे पहले पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में बात करता हूँ मैं पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूँ कि उसमें इंटरनल फोर्स कितनी आएगी क्या आएगी देख लेते हैं उसको भी हम तो जैसे कि मैं सबसे पहले किसको ले रहा हूं मैं ट्रस को ले रहा हूं ट्रस को ले रहा हूं मतलब पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर मान के चलिए यह उसका एक मेंबर है ये ट्रस का एक मेंबर है जिसके जो एंड जो ज्वाइंट हैं वो कैसे हैं आपके पास पेन ज्वाइंटेड है ठीक है यहां पर अगर मान के चलिए इसमें हर एक ज्वाइंट में ध्यान रखिएगा हर एक ज्वाइंट में आपके पास टोटल जो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है वो कौन कौन सी होती है आपके पास एफ एक्स और एफ वाई दिस इज एफ एक्स एंड दिस इज एफ वाई अब मैं क्या करूंगा मान के चलिए इसको मैं क्या कर रहा हूं मैं यहां से इसको मैं कट कर दे रहा हूं इस स्ट्रक्चर को मैं यहां से कट कर दे रहा हूं तो मैं क्या होगा अगर मैं इसको मैं कट कर दिया यहां से अगर मैं कट किया तो यहां पर सिर्फ एक ही फोर्स आएगी कौन सी आएगी एक्जुअल फोर्स क्योंकि मैंने आपको अभी बताया इसकी प्रॉपर्टी ट्रस्ट की पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी बताया क्या बताया कि हर एक मेंबर में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है एक एक्जुअल फोर्स ही आता है उसको मैं डिनोट कर दिया किससे एफ से FX है तो नहीं उसको मैं डिनोट कर रहा हूं किससे ए एफ से हर एक ट्रस के मेंबर में सिर्फ एक ही फोर्स आएगी कौन सी एक्जुअल फोर्स उसको मैं डिनोट करूं किससे ए एफ से ठीक है तो ये था ट्रस का पॉइंट इसको आप ध्यान रखेगा सिमिलरली अगर मैं बात किया रिजिड स्ट्रक्चर के अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं रिजिड स्ट्रक्चर की तो यहां पर आप देखोगे अगर रिजिड स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं तो आपके पास जैसे मान लीजिए आपके पास एक बीम है आपके पास एक बीम है कुछ इस टाइप की ठीक है इस टाइप की आपके पास बीम है ये क्या ये कैसे सपोर्ट देकर आपको फिक्स सपोर्ट फिक्स सपोर्ट में कितने रिएक्शन आ जाएंगे टू में आपके पास तीन रिएक्शन आ जाएंगे और मैं यहां से क्या कर रहा हूं ना मैं यहां से इसको कट कर दे रहा हूं फिक्स सपोर्ट में तीन रिएक्शन आते थे यहां पर मैं इसको कट कर दिया तो मेरे को एक बात बताओ यहां पर आपके पास इंटरनल फोर्स कितने कितने आएंगे सबसे पहले आपके पास एक आएगा फोर्स ठीक है इंटरनल फोर्स कितने आएंगे यहां पर आपके पास एक आएगा एक्जुअल फोर्स सिमिलरली एक आएगा आपके पास शेयर फोर्स और यहां पर आपके पास एक चीज आएगी वो क्या हो जाएगी आपके पास दिस वन विल बी बेंडिंग मोमेंट समझ में आया तो यहाँ पर अगर मैं इंटरनल फोर्स की बात करूँ तो नंबर ऑफ आई एफ इंटरनल फोर्स कितने दिख रहे हैं आपको तीन कौन कौन से एक्जुअल फोर्स शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट लेकिन अगर ट्रस की बात करूँ तो यहाँ पर इंटरनल फोर्स कितना दिख रहा है आपको सिर्फ एक ही कौन सा सिर्फ और सिर्फ एक्जुअल फोर्स तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की कि रिजिड स्ट्रक्चर में आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ इंटरनल फोर्स होती है वो तीनों आती है लेकिन ट्रस में मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया कि ट्रस्ट में हर एक मेंबर सिर्फ एक ही चीज़ कैरी करता है वो क्या कैरी करता है ओनली एक्चुअल फोर्स अब आप बोलोगे सर आपने इंटरनल फोर्स तो चार बताई थी कौन कौन सी एक्चुअल फोर्स शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट लेकिन आपने यहां पर सिर्फ तीन ही लिखा है तीन इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्या है मैंने स्ट्रक्चर को किसमें बनाया मैंने टू में बनाया अगर मैं इसको थ्री में बनाया मान के चलिए मैं इसी चीज को रेजिड स्ट्रक्चर को मैं किस में बना रहा हूँ थ्री डी में बनाया तो यहां पर आपने थ्री का डायग्राम अभी देखा था ठीक है थ्री का डायग्राम आपने अभी देखा हुआ था थोड़ी देर पहले ये कुछ इस टाइप का आपके पास क्या है थ्री डी डायग्राम आपके पास बना हुआ है रिएक्शन इस पर कितनी कितनी आ रही थी रिएक्शन कितनी कितनी आ रही थी आपके पास यहाँ पर ये आपके पास आ रहा था आर वाई सिमिलरली आपके पास यहाँ पर रिएक्शन आ रही थी rx. यहाँ पर एक रिएक्शन आ रही थी आपके पास आर जेड और तीनों पे क्या हो रहा था मोमेंट भी आ रहा था यहां पर क्या हो रहा था ये x वाले पे x एक्सिस अगर मैं बनाऊंगा ये मेरे पास x एक्सिस है ये मेरे पास y एक्सिस है और ये मेरे पास क्या है z एक्सिस तो तीनों एक्सिस पे क्या हो रहा था मोमेंट भी आ रहा था ये क्या था आपके पास एम एक्स जो कि क्या था आपके पास ट्विस्टिंग मोमेंट दिस वन वॉस एम वाई एंड एम जेड तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितने आ रहे थे यहां पर टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन कितने आ रहे थे आपके पास सिक्स अब अगर मैं इसको यहां से कट किया ठीक है ये मान के चलिए मैंने एक सेक्शन को मैंने यहां से मैंने कट कर दिया उस बीम को मैंने यहां से कट कर दिया तो यहां पर जो आपके पास इंटरनल फोर्सेस जो आएंगे बहुत ध्यान से देखेगा इंटरनल फोर्सेस आपके पास कौन कौन से आएंगे ये आपके पास आएगा एक एक्शुअल फोर्स सिमिलरली आपके पास ये आपके पास आएगा एक शेयर फोर्स आपके पास यहां से ये वाला जो आपके पास आएगा इसको थोड़ा सा ऐसा बना लेता हूं मैं इस वाले पॉइंट पे एक और शेयर फोर्स आएगा क्लियर है और हर एक उसमें हर एक उसमें मोमेंट भी जनरेट होगा ठीक है ये ये वाले एक्सिस पे दिस इज एम एक्स डैश वाई वाले पे दिस इज एम वाई डैश और यहां पर ये जो आ रहा है दिस इज एम जेड डैश ठीक है थोड़ा डायग्राम उतने अच्छे से बना नहीं है एक बार डायग्राम अगर ठीक से बना दू मैं एक बार फिर से देखते हैं डायग्राम को मैं कैसे शो कर सकता हूँ चलिए इंटर एक्चुअल फोर्स को मैं डिनोट कर रहा हूँ एफ एक्स है ठीक है तो इसको मैं बोल सकता हूं कि यहां पर ये आपके पास क्या आ रहा है दिस इज सिमिलरली एक शेयर फोर्स आएगा यहां पर दिस इज और यहाँ पर एक और शेयर फोर्स आएगा इसको मैं बोल दे रहा हूं एफ जेड क्लियर है ये तीन क्या आ रहे हैं आपके पास एफ एक्स क्या आपके पास एक्जुअल फोर्स है बाकी ये दोनों क्या आपके पास शेयर फोर्स है और तीनों में क्या होगा आपके पास तीनों में मोमेंट भी आएगा इसको मैं बोल दे रहा हूँ एम एक्स डैश इसको मैं बोल दे रहा हूँ एम Y डैश और इसको मैं बोल दे रहा बोलते रहम ये तीनों पे मोमेंट भी आएगा तो टोटल आप देख सकते हो रिएक्शन कितने आ रहे थे आपके पास सिक्स और यहां पर इंटरनल फोर्सेस भी कितने आ रहे हैं आपके पास सिक्स ही आ रहे हैं कौन कौन से एफ एक्स एफ वाई एफ जेड सिमिलरली एम एक्स डैश एम वाई डैश एंड एम जेड डैश अब अगर मैं यहां की बात करूं तो एफ एक्स क्या है आपके पास एफ एक्स आपके पास एक्जुअल फोर्स एफ एक्स क्या आपके पास एक्जुअल फोर्स क्यों क्योंकि क्या कर रहा है एक्सिस पे है लेकिन अगर मैं एफ फाइव और एफ जेड की बात करूं तो ये दोनों उसके लैटरल एक्सिस पे हैं तो ये क्या हो जाएंगे आपके पास शेयर फोर्स सिमिलरली लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट और जो उसके ट्रांसफर्स एक्सिस के अबाउट जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट तो ये चीज समझ में आई आपको एक्जुअल फोर्स शेयर फोर्स होता क्या है बेंडिंग मोमेंट ट्विस्टिंग मोमेंट क्या होता है ये चीज समझ में आई ये 2D डी में आपको बताया था जिसमें आपके पास सिर्फ बेंडिंग मोमेंट आ रहा था कौन सा Z डायरेक्शन में लेकिन अगर मैं 3D में बताऊं तो 3D में लॉन्गिट्यूडल और ट्रांसफर्स दोनों में क्या होगा आपके पास मोमेंट आएंगे लॉन्गिट्यूडल वाले को हम क्या बोलते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट और जो ट्रांसफर्स वाले जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट तो इस टाइप से आपको क्या करना है आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल फोर्सेज की मीनिंग क्या है इंटरनल फोर्सेज मेनली क्या क्या होते हैं एक्चुअल फोर्स शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट नेक्स्ट अपन देखते हैं इंटरनल जॉइंट्स के बारे में ठीक है आज का जो लेक्चर है हो सकता होगा उतना मज़ा नहीं आ रहा होगा क्यों नहीं मज़ा आ रहा होगा क्योंकि तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये है क्या तो देखिए धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएगी जैसे मैंने वो ट्रस्ट के बारे में जो बताया जो मैं यहाँ पर फ्रेम्स के बारे में जो बताया हूँ रिजिड और ज्वाइंटेड और पेन ज्वाइंटेड ये सब चीज़ें अभी मैं सिर्फ एकदम बेसिक बता रहा हूँ ठीक है जैसे कि अभी मतलब ये कैसा है ना कि मतलब ये एक एक छोटे छोटे चीज़ें जो आगे जाके अगर मैं स्टैटिक इंडिटोरेंसी निकालूंगा तो ये सारी चीज़ें समझ में आएगी कि जो हमने जो पढ़ा है जैसे कि ये जो नंबर ऑफ रिएक्शंस जो मैंने यहाँ पे बताया आर ई कितना है मेरे सिक्स ठीक है यहाँ पर आपके पास इंटरनल फोर्सेस कितने हैं आपके पास थ्री तो ये सारी चीज़ें आपको आगे जाके कनेक्ट होगी अच्छा ठीक है तो इसके लिए हम क्या करे थे पहला लेक्चर को हमने देखा था जिसमें सर ने ये सारी चीज़ें बताया था कि रिएक्शंस कितने कितने आते हैं इंटरनल फोर्सेस कितने कितने आते हैं आज के लेक्चर में बस आपको थोड़ा बहुत समझना है और नोट्स बनाने हैं स्टार्ट कब होगा जब मैं आगे जब स्टैटिक इंडिटेमेंसी जब स्टार्ट करूंगा तब मैं पूरा यही सब चीज़ें को रिकॉल करवाऊँगा आपसे कि आपको पता है जब यहाँ पर मैंने आपको ये करके दिखाया था तो आर की वैल्यू इतनी आई थी इंटरनल जॉइंट्स की वैल्यू इतनी आई थी तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हमने पहला लेक्चर पूरा जो बेसिक जो था फंडामेंटल जो था उसको हमने पढ़ा था तो वहां पर वो सारी चीजें कनेक्ट होगी अभी बस आप जितना मैं बता रहा हूं उतनी चीजें आप नोट डाउन करते जाइए सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको आपको मैंने बताया सपोर्ट के रिएक्शन कैसे कैसे आते हैं और दोनों चीजें बताया टू में भी बताया और थ्री में भी बताया नेक्स्ट में आपको बताया हूं कौन सा इंटरनल फोर्सेस क्या क्या होते हैं मतलब ये एक्चुअल फोर्स शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट ट्विस्टिंग मोमेंट ये क्या क्या होती हैं अलग अलग बॉडी में कैसे कैसे ये एक्ट करते हैं मैंने इसके बारे में बताया नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा इंटरनल जॉइंट्स के बारे में ठीक है तो चलिए अपन इंटरनल ज्वाइंट्स नेक्स्ट अपन देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारी जो रहेगी वो रहेगी इंटरनल जॉइंट्स ठीक है इंटरनल जॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप इतने अच्छे से पढ़ लेना हर एक जॉइंट्स की प्रॉपर्टी आपको इतने अच्छे से समझ में आनी चाहिए ना कि आप पूरे जितने मॉड्यूल्स मतलब स्ट्रक्चर आज से आज से स्टार्ट हो रहा है जब तक चलेगा जब तक आप देखोगे इंटरनल जॉइंट्स के बारे में हर एक जॉइंट का देख लेना आपको कहीं ना कहीं पर आपको यूज आपको मिलेगा ही मिलेगा ठीक है तो ये वाली जो टॉपिक है ये आज के लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चाहे कुछ भी हो इसके नोट्स बहुत अच्छे से बना लेना यहाँ पर मैं सारे टाइप के जॉइंट्स की, की प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा वो आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है सबसे पहले मैं जो जॉइंट्स के बारे में बता रहा हूँ वो जॉइंट होता है हमारे पास रिजिड जॉइंट मैंने आपको स्ट्रक्चर जब बताया था तब मैं आपको बोला था रिजिड जॉइंट जॉइंटेड स्ट्रक्चर तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि रिजिड जॉइंट होता क्या है मान के चलिए आपके पास एक एक कॉलम है और ये क्या है आपके पास एक फ्रेम है क्लियर ये कॉलम है एक फ्रेम है दिस इज ए दिस इज बी एंड दिस इज सी क्लियर यहां पर मैं क्या कर रहा हूं यहां पर मैं क्या कर रहा हूं यहां पर एक मैं यहां पर मोमेंट लगा दिया मैंने क्या किया यहां पर <coughs> मैंने यहां पर एक मोमेंट लगा दिया क्लियर अब ये मैं मोमेंट लगाऊंगा तो यहां पर क्या होगा ये मोमेंट अगर मैं इसको लगाया तो यहां पर डिफ्लेक्शन आएगा ठीक है इस वाले बीम में क्या हो जाएगा इसको मैं ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से इसको पकड़ के मैं घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर डिफ्लेक्शन आएगा कैसे डिफ्लेक्शन आएगा कुछ इस टाइप से क्या होगा ये जो फ्रेम जो पहले जो था वो कैसे हो जाएगा अब कुछ इस टाइप से क्या होगा डिफ्लेक्ट करेगा तो बी वाले पॉइंट की बात करूंगा तो बी वाले पॉइंट पे मान लीजिए ये क्या है आपके पास थीटा वन और ये वाले पॉइंट पे जो आया है ये क्या आपके पास थीटा टू रिजिड ज्वाइंट की जो प्रॉपर्टी है रिजिड ज्वाइंट की प्रॉपर्टी है उसको मैं एकदम इजी भाषा में समझाऊं तो ब्रिजिड जॉइंट की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जब भी आप ऐसे टाइप के फ्रेम में जब आप कोई लोड लगाओगे तो यहां पर जो रोटेशन जो आपको मिलेगा वो इक्वली क्या होगा इक्वली क्या होगा वो रोटेट होगा इक्वली क्या होगा वो रोटेट होगा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैंने आपको इंटरनल फोर्सेस आपको कितना बताया था मैंने मैंने आपको इंटरनल फोर्स आपको चार बताया था कौन कौन सा एग्जिस्ट फोर्स शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट और एक और बताया था आपको ट्विस्टिंग मोमेंट ट्विस्टिंग मोमेंट तभी आएगा अगर आपके पास स्ट्रक्चर कैसा रहा थ्री में रहा मैंने आपको यहां पर दिखाया टू डी में आपके पास सिर्फ तीन ही आ रहे थे लेकिन थ्री में आपके पास टोटल सिक्स इंटरनल फोर्स आ रहे थे जिसमें से एक क्या था आपके पास ट्विस्टिंग मोमेंट था तो ट्विस्टिंग मोमेंट हमेशा आपके पास थ्री में आएगा लेकिन 2D की बात करूं तो, तो 2D में इंटरनल फोर्स कितने हो जाएंगे एक्जल फोर्स शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट तो यहां पर मैं B को मैंने क्या माना है B को मैं बोल रहा हूं कि मेरा जो B जॉइंट है जॉइंट क्या होता है जॉइंट वो होता है जहां पर आपके पास दो कॉम्पोनेंट मिल रहे हो तो यहां पर ए बी और बी सी कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं पॉइंट बी पे मिल रहे हैं तो बी क्या है आपके पास एक जॉइंट है और इसका मतलब यह है यहां पर मैं आपको बताया कौन से टाइप का ज्वाइंट है रिजिड जॉइंट है तो बी क्या है आपके पास एक रिजिड जॉइंट है और यहां पर क्या होगा इस जॉइंट में आपके पास एक्जुअल फोर्स भी आएगा आपके पास शेयर फोर्स भी आएगा और आपके पास बेंडिंग मोमेंट भी आएगा क्लियर है रिजिड ज्वाइंट की प्रॉपर्टी क्या होती है पहली प्रॉपर्टी कि दोनों जो एंगल होंगे दोनों सेम में डिस्प्लेस होंगे सिमिलरली यहां पर जो इंटरनल फोर्सेस आएंगे वो तीनों आएंगे एजुअल फोर्स भी आएगा शेयर फोर्स भी आएगा और बेंडिंग मोमेंट भी यहां पर आएगा ट्विस्टिंग मोमेंट तो थ्री में आएगा थ्री की बात नहीं कर रहा करो टू डी में बना रहा हूं मैं तो यहाँ पे तीनों आए सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं एक और टाइप का स्ट्रक्चर बनाया ठीक है मैं क्या करूं इसको यहां से मैं एक मैंने मोमेंट लगाया मैं यहां पे मोमेंट लगाया हूं तो ये बॉडी कुछ ऐसे डिस्प्लेस होगी ठीक है ये बॉडी क्या होगी कुछ ऐसे डिस्प्लेस हो जाएगी ऐसे टाइप का क्या होगा इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा ये क्या है इसका डिफॉर्मेशन कर्व है अब यहां पर आप देख सकोगे यहां पर आप देख पाओगे कि ये क्या आपके पास दिस इज थीटा वन ये क्या है दिस इज थीटा टू दिस इज थीटा थ्री एंड दिस इज थीटा फोर तो रिजिड जॉइंट क्या बोलता है आपको कि जो थीटा वन जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा थीटा टू इक्वल्स टू थीटा थ्री इक्वल्स टू थीटा फोर समझ में आया हर बॉडी को जो डिस्प्लेस कराएगा वो कैसे कराएगा इक्वल रोटेशन से वो क्या कराएगा उसको डिस्प्लेस कराएगा सिमिलरली अगर मैं इंटरनल फोर्सेस के बारे में बात करूं तो यहां पर कितनी इंटरनल फोर्सेस आएंगी तीन कौन कौन सी बेंडिंग मोमेंट एक्चुअल फोर्स और शेयर फोर्स तीनों यहां पर आएगा ठीक तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी कौन सा ज्वाइंट था ये रिजिड ज्वाइंट नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जॉइंट वो होता है इंटरनल हिंज ज्वाइंट इंटरनल हिंज कोई भी पेपर उठा लो कुछ भी उठा लो हर एक पेपर में अगर स्ट्रक्चर से क्वेश्चन या फिर सॉम से क्वेश्चन आया तो उसमें आप देखोगे उसमें कहीं ना कहीं पर आपको एक इंटरनल हिंज आपको दिखेगा ही दिखेगा क्लियर आपको वहां पर इंटरनल हिंज आपको वहां पर दिख सकता है तो यहां पर अगर मैं बात किया कुछ इस टाइप से और यहां पर क्या लगाए यहां पर लगाए एक इंटरनल हिंज ठीक है ये मेरे पास ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या है आपके पास दिस इज पॉइंट और मैंने एक मोमेंट लगाया एम से तो अगेन देखिए मैं इंटरनल हिंज हूँ ना यहां पर अब ये रिजिड वाला नहीं रहा रिजिड में कुछ भी नहीं था रिजिड जॉइंट में कुछ नहीं था लेकिन अब इस बी पॉइंट पे मैंने एक हिंज को लगा लिया इंटरनल हिंज को अब ये जो बॉडी जो डिस्प्लेस होगी वो कुछ ऐसे डिस्प्लेस होगी दिस इज योर थीटा वन एंड दिस इज योर थीटा टू प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल हिंज जॉइंट इज थीटा वन इज नॉट इक्वल्स टू थीटा क्लियर है ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी कि जो यहां पर जो डिफ्लेक्शन सॉरी जो डिस्प्लेसमेंट आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो आएगा दोनों मेंबर पे दोनों मेंबर पे अलग अलग क्या होगा वहां पर डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा रिजिट जॉइंट में सारे डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या थे आपके पास सेम थे लेकिन यहां पर क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर आपको मिलेंगे उसकी वैल्यूज दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है ना कि यहां पर इंटरनल हिंज इस पॉइंट पे कौन से पॉइंट पे बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा आपके पास जीरो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ठीक है पांच स्टार में मारूंगा इसमें कि बी पॉइंट पे अगर आप बेंडिंग मोमेंट पूछोगे तो वहां पर बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा जीरो एट पॉइंट बी बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा आपके पास जीरो क्लियर है तो यहां पर टोटल अगर मैं इंटरनल फोर्स की बात करूं टू के लिए इंटरनल फोर्स टू में कौन कौन से होते हैं एक्चुअल शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ट्विस्टिंग मोमेंट तो थ्री में चले आता है टू वाला बनाया हूँ तो एक्जुअल फोर्स शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट होना चाहिए था लेकिन मेरे पास बेंडिंग मोमेंट कितना हो गया जीरो तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो रिएक्शन जो रिलीज हुआ है रिलीज हो गया मतलब रिलीज मतलब जो जीरो हो गया वो कौन सा हुआ है मेरे पास बेंडिंग मोमेंट हो गया ठीक है तो एक रिएक्शन मेरा रिलीज हो गया तो इंटरनल फोर्स कौन कौन सी बची सिर्फ एक एक्जुअल फोर्स और शेयर फोर्स इंटरनल फोर्स कितनी आई आप, आपके पास दो बेंडिंग मोमेंट कितना हो गया आपके पास जीरो सिमिलरली अगर मैं ऐसी डायग्राम उसके लिए बनाता तो यहां पर आप लिखते हैं कि थीटा वन इज नॉट इक्वल्स टू थीटा टू इज नॉट इक्वल्स टू थीटा थीट इज नॉट इक्वल्स टू थीटा फोर अगर इंटरनल हिंज के लिए बनाऊ तो ठीक है ये चीज समझ में आई बेंडिंग मोमेंट कितना होता है यहां पर जीरो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एक आता है आपके पास इंटरनल स्लाइडर इंटरनल स्लाइडर इंटरनल स्लाइडर को कैसे हम डिनोट करते हैं इसको हम बनाते हैं कुछ इस टाइप से ठीक है तो ये वाला जो पॉइंट है पॉइंट सी बोल रहा हूं मैं पॉइंट सी पे ये जो मैंने बनाया है ये क्या है आपके पास इंटरनल स्लाइडर है ठीक है इंटरनल स्लाइडर की प्रॉपर्टी आप ध्यान रखेगा इंटरनल स्लाइडर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि यहां पर शेयर फोर्स जो होता है वो कितना होता है आपके पास जीरो ये ऊपर नीचे मूव कर पाएगा क्योंकि आप देख रहे हो ना चक्के लगे ऊपर नीचे मूव कर पा रहा है मतलब ट्रांसफर डायरेक्शन में मूव कर पा रहा है तो शेयर फोर्स कितना हो जाएगा रेजिस्ट नहीं होगा रिस्ट्रेन नहीं कर पाएगा तो शेयर फोर्स कितना हो जाएगा वो जीरो तो अब को बताइए यहां पर इंटरनल फोर्स कितना आएगा इंटरनल फोर्स आपके पास आएंगे अगेन दो कौन कौन से एक्जल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्योंकि यहां पर शेयर फोर्स कितनी होगी ये जीरो क्लियर है नेक्स्ट नेक्स्ट मैं बात करूंगा किसकी मैं बात करूंगा यहां पर इंटरनल इंटरनल स्लाइडर हो गया नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं इंटरनल रोलर की अगर मैं इंटरनल रोलर की बात किया तो इंटरनल रोलर को हम कैसे शो करते हैं सॉरी इंटरनल रोलर से पहले मैं डबल रोलर के बारे में बताता हूं इंटरनल सॉरी डबल रोलर ठीक है डबल रोलर आप एक्सटर्नली भी लगा सकते हो आप इंटरनली भी लगा सकते हो अगर मैं इंटरनली लगा रहा हूं अगर मैं कैसा लगाया इंटरनली लगाया तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये मैंने क्या लगाया ये मैंने एक डबल रोलर लगाया कौन से पॉइंट पे सी पॉइंट पे मैंने एक डबल रोलर लगाया अब आप देखिए इसमें चक्के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगे तो ये हॉरिजॉन्टली मूव कर पाएगा तो हॉरिजॉन्टल मूव कर पाएगा तो यहां पर एक्जुअल फोर्स कितना हो जाएगा एक्जुअल फोर्स मेरा हो जाएगा यहां पर जीरो तो बताइए इंटरनल फोर्स कितने कितनी हो गई इंटरनल फोर्स आपके पास हो गई कौन कौन सी एक्अल फोर्स तो जीरो हो गया बचा कौन कौन सा शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट तो इंटरनल फोर्स कितनी हो गया आपके पास टू क्लियर अगर मैं नेक्स्ट बताया कौन सा नेक्स्ट मैं बता रहा हूं इंटरनल रोलर इंटरनल रोलर तो इंटरनल रोलर अगर मैं बनाया कुछ इस टाइप से ये क्या है मेरे पास ये पॉइंट बी पे मैंने एक इंटरनल रोलर लगाया है तो रोलर की प्रॉपर्टी में कभी भी आपके पास मोमेंट आता है क्या मोमेंट डेवलप होता है नहीं होता दूसरी चीज यहां पर क्या होगा ये आगे पीछे भी मूव कर सकता है एक्चुअली भी तो यहां पर ध्यान रखेगा यहां पर एक्चुअल फोर्स तो जीरो होगी होगी साथ में मोमेंट भी नहीं आएगा तो बेंडिंग मोमेंट भी कितना हो जाएगा यहां पर जीरो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितने रिलीज हो रहे हैं यहां पर दो कौन कौन से रिलीज हो रहे हैं एक्चुअल फोर्स भी जीरो हो रहा है और बेंडिंग मोमेंट भी जीरो हो रहा है तो इंटरनल फोर्स यहां पर कितनी हो बचेगी सिर्फ एक ही कौन सी शेयर फोर्स समझ में आई चीज लास्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास जो इंटरनल जो जॉइंट है वो कौन सा है उसको हम बोलते हैं लिंक उसको हम क्या बोलते हैं लिंक इसका मतलब यह है कि मान लीजिए लिंक में क्या होता है दोनों साइड में दोनों साइड में क्या होता है एक इंटरनल हिंज होते हैं दोनों साइड में ये लिंक है इसके दोनों साइड में क्या है इंटरनल हिंज है इसकी प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पर शेयर फोर्स भी जीरो होता है और बेंडिंग मोमेंट भी क्या होता है आपके पास जीरो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा तो टोटल आपके पास जो इंटरनल फोर्स जो बचे वो कौन सा रहेगा आपके पास सिर्फ एक्जल फोर्स मतलब सिर्फ एक ही आपके पास क्या रहा इंटरनल फोर्स रहा तो यहाँ पर ये वाली जो टॉपिक है आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से जॉइंट पे कौन सा आपके पास इंटरनल फोर्स या फिर जो रिएक्शन है वो रिलीज हो रहा है तो रिजिड जॉइंट में तो कोई नहीं तीनों के तीनों आ रहे हैं लेकिन जब इंटरनल हिंज की बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है ना इंटरनल हिंज सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ जॉइंट है तो इंटरनल हिंज पे कितने आ रहे हैं आपके पास सिर्फ एक ही रिएक्शन रिलीज हो रहा है कौन सा बेंडिंग मोमेंट रिलीज हो रहा है इंटरनल स्लाइडर में सिर्फ एक ही हो रहा है कौन सा शेयर फोर्स जीरो हो रहा है डबल रोलर में सिर्फ एक ही रिएक्शन रिलीज हो रहा है कौन सा एक्चुअल फोर्स इंटरनल रोलर में दो रिएक्शन रिलीज हो रहे हैं कौन कौन से एक्चुअल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट और लिंक में भी दो रिएक्शन रिलीज हो रहे हैं कौन से शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जब मैं स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के क्वेश्चन डील करूंगा ठीक है कोई भी टाइप का स्ट्रक्चर बड़े बड़े स्ट्रक्चर ही बनाऊंगा तो उन हर एक में स्ट्रक्चर के बीच बीच में इंटरनल ज्वाइंट्स होंगे तो आपको पता करना पड़ेगा आपको वहां पर पता होना चाहिए कि वो जो ज्वाइंट जो, जो लगे उसकी प्रॉपर्टी क्या है ठीक है डबल रोलर है कि वो स्लाइडर है कि वो इंटरनल हिंज है तो वहां पर कौन कौन से रिएक्शन रिलीज हो रहे हैं ये सारी चीजें आपको वहां पर पता होनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इ, 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 इसकी इसका बहुत अच्छे से नोट्स बनाइएगा नेक्स्ट अगर मैं लास्ट टॉपिक की बात करूं तो वो होता है आपका नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन ठीक है तो ये तो सभी को पता है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होता है आपका लास्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम इक्वेशन ये सिर्फ डायमेंशन पे बेस्ड होते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन को मैं डिनोट करूंगा किससे कैपिटल ई से कैपिटल ई e से. E से मैं डिनोट करूंगा तो यहां पर ध्यान रखिएगा इक्विलिब्रियम इक्वेशन टू में टू में नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या क्या होते हैं समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो समेशन एफ आई इक्वल्स टू जीरो एंड समेशन ऑफ किसी पॉइंट पे मोमेंट इक्वल्स टू जीरो लेकिन अगर मैं थ्री मतलब स्पेस स्ट्रक्चर में डील किया तो क्या क्या हो जाएगा समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो समेशन एफ वाई इक्वल्स टू जीरो समेशन एफ जेड इक्वल्स टू जीरो सिमिलरली समेशन एम एक्स इक्वल्स टू जीरो समेषन एम वाई इक्वल्स टू ज़ीरो एंड समेशन एम जेड इक्वल्स टू जीरो तो टू डी में कितने आपके पास ई e की वैल्यू आ रही है तो टू डी में आपके पास ई e की वैल्यू कितनी आ रही है थ्री और थ्री डी में आपके पास ई e की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास सिक्स तो इस लेक्चर में मैंने आपको चार चीजें बताई है सबसे पहले मैंने आपको बताया है आर ई दैट इज द नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन अलग अलग टाइप के सपोर्ट में कितने कितने टाइप के रिएक्शन आएंगे मैंने आपको वो बताया नेक्स्ट मैंने आपको बताया है कि नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस ठीक है किसी भी टाइप के स्ट्रक्चर पे जो 2D हो चाहे वो 3D हो इंटरनल फोर्सेस कितनी आ रही है मैंने आपको वो भी अच्छे से भी बता दिया नेक्स्ट मैंने आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ अगर ये समझ इसको अगर आपने नोट डाउन नहीं किया इसको बस ऊपर ऊपर से देख के चलेगा बहुत रिग्रेट करोगे क्योंकि आगे का कुछ समझ नहीं आएगा पहली चीज़ मैंने आपको बता दिया था पिछले इंट्रोडक्शन में कि स्ट्रक्चर एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा सिक्वेंशियल सब्जेक्ट है पहली चीज़ समझ नहीं आई तो आगे वाली चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आई तो एक एक चीज़ आप क्या करिए देखिए मैं आपको जितना बस बता रहा हूँ आप उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा ये प्रॉपर्टी है उसकी ठीक है इंटरनल हिंज की प्रॉपर्टी है कि जिस पॉइंट पे इंटरनल हिंज लगेगा वहां पर बेंडिंग मोमेंट कितना जीरो तो तो चार चीजों का हम यूज करेंगे किसमें जब भी हम डीएस या फिर डीके की वैल्यू निकालेंगे डीएस क्या होता है डिग्री ऑफ स्टार्टिंग इंडिटरमेसी डीके क्या होता है डिग्री ऑफ किनेमैटिक इंडिटरमेंसी तो वहां पर जो चार टर्म हमने अभी जो पढ़े हैं ये चारों टर्म को हम वहां पर यूज करेंगे तो आज के लिए इतना ही प्लीज नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा इसको आप अच्छे से साफ सुथरे नोट्स बनाइए एकदम पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी फिर एक बार समझ में आने लग गया ना मैं बता रहा हूं स्ट्रक्चर एनालिसिस विल बी योर फेवरेट सब्जेक्ट ओके तो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल द बेस्ट